मंगलवार यानी कि आज से वैलेंटाइन वीक की शुरुआत हो चुकी है। 7 फरवरी को रोज डे से इसका आगाज होता है जो कि 14 फरवरी वैलेंटाइन डे तक चलता है। इस दौरान रोज डे, प्रपोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, तमाम अलग अलग तरह के दिन मनाए जाते हैं और प्यार करने वाले जो कपल्स होते हैं उन्हें उनके अंदर इस वीक को लेकर काफ़ी उत्साह देखने को मिलता है। कोलांचल धनबाद की बात करें तो कोलांचल धनबाद में भी अब रोज डे को लेकर काफ़ी ज़्यादा युवाओं में उत्सुकता दिखती है और हर वर्ग के लोग एक्चुअली में अब इस वैलेंटाइन वीक को मनाने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद धनबाद स्टेशन के ठीक बाहर में और यहाँ पर हम देख सकते हैं आम दिनों में भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो फूल बेचे जाते हैं, लेकिन रोज़ डे को लेकर कुछ खास तैयारियाँ होती हैं। वैलेंटाइन वीक को लेकर कुछ अलग तरह की तैयारियाँ होती हैं, हर अलग 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 के रोज़ेस आते हैं। आइए हम यहाँ के जो शॉप के ओनर हैं उनसे बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि किस एज के लोग ज़्यादातर पहुँच रहे हैं और आम दिनों में रोज़ की क्या कीमत रहती है और आज क्या कीमत है। आप बताइए भैया कि रोज़ डे को लेकर इस बार कोलांचल में कैसा उत्साह देखने को मिला? ऐसा देखने को मिल रहा है। कितने लोग सुबह से आए हैं अभी तक? लमसम 100-150 आ ही गए हैं। क्या रेंज रहता है अभी? तो नॉर्मल रहता है, 14 तारीख होते हुए रेट बढ़ जाता है। अभी मैंने गुलाब का कीमत 15 रुपया है, उस टाइम 60-70 रुपये गुलाब का हो जाता है एक रोज। लोग इतना महंगा होने के बावजूद भी खरीद? हाँ, खरीदते हैं, इसे ज़्यादा संख्या में रख लेते हैं। तो जनरली किस एज के लोग आते हैं रोज़ लेने? सब लोग आते हैं, सारे लोग आते हैं। हाँ, आ तो ज़्यादा कॉलेज का लोग आए हैं और जितने बुजुर्ग लोग हैं, जितना सर्विस करते हैं लोग भी आ के ले गए हैं और उस टाइम तो और भी लोग लेके जाते हैं। कौन से कलर के रोज़ की सबसे ज़्यादा डिमांड होती है? रेड, पिंक, वाइट। कहाँ से आप लोग रोज़ लाते हैं? जन कलकत्ता से। जो रोज़ बच जाते फिर उनका क्या करते हैं? भाई बर्बाद हो जाता और क्या। तो वैलेंटाइन वीक को लेकर आप लोगों को कितना मुनाफा होता है, कितना घाटा होता है? लमसम मुनाफा ही होता है, घाटा तो होता ही नहीं है। तो इन्होंने बताया कि जनरली जो रोज़ 15-20 रुपए का मिलते हैं वो आज के दिनों में करीब 60-70 तक मिलते हैं और अलग अलग तरह के आपको मैं दिखाना चाहूँगी। आप देखिए किस तरह से इन्होंने हार्ट शेप में इसे तैयार किया है और लोग इस तरह के रोज़ेस ही लेने आते हैं। इन्होंने बताया कि कॉलेज के बच्चे तो रोज़ लेने आते ही हैं, लेकिन हर वर्ग के लोग, बुज़ुर्ग लोग जो जॉब करते हैं वो लोग भी इस बार रोज़ लेने के लिए पहुँच रहे हैं। यानी कि रोज़ डे को लेकर पूरे कोलांचल में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। एक बार आपको कैमरे के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए कैसे अलग अलग वेराइटीज़ के भी यहाँ पर फ्लावर्स मिल रहे हैं, बुके बनाया जा रहा है। ना सिर्फ रेड कलर के रोजेस दिख रहे हैं बल्कि येलो और पिंक भी लोगों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं। आप बताइए भैया कि सुबह से कितने लोग यहाँ पर आए हैं रोज खरीदने? अभी तो उतने सारे नहीं आए हैं क्योंकि हर जगह शॉप हो गया है, उसके बावजूद भी ऑनलाइन हो गया तो बहुत से लोग डरते भी हैं, खींच करके और व्हाट्सएप कर देते हैं, फेसबुक पे कर देते हैं। अभी डिजिटल भी काफी लोग जी 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 इसलिए जनरली रोज की जो कीमत होती है और आज तो थोड़ा सा हाइक रहता है, फिर भी लोगों का एक इंटरेस्ट रहता है। हाँ, इंटरेस्ट रहता है लेकिन अभी तक उतना लोग नहीं पहुँचे हैं। देखिए शाम तक देखिए आते हैं तो मतलब उसके बाद इस बार कम क्राउड देखने को मिल रहा है। जी जी, मंदी की वजह से कहीं ना कहीं और वर्चुअल जो हो गया। हाँ, इसलिए तो इन्होंने बताया कि क्योंकि काफ़ी टेक्नोलॉजी का ज़माना हो गया है तो लोग रोज़ेस के फ़ोटो लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं और ये भी इन्होंने बताया कि एक बड़ी रीज़न होती है कि अब थोड़ी सी संख्या कम हो रही है। हालांकि उम्मीद ये जता रहे हैं कि शायद शाम तक काफ़ी संख्या में लोग पहुँचेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि जो मज़ा एक रियल रोज़ गिफ्ट करने में वो शायद वर्चुअल रोज़ गिफ्ट करने में नहीं। अब देखते हैं कि युवाओं की ओर से कितना यहाँ पर लोग पहुँचते हैं या फिर शॉपिंग करते हैं, रोज़ेस खरीदते हैं और गिफ्ट करते हैं। लेकिन ये वैलेंटाइन वीक का जो आगाज़ हुआ है इसका काफ़ी असर कोलांचल में दिख रहा है। इन्होंने बताया कि अब कई जगह पर शॉप भी खुल गए हैं तो एक्चुअली में हर चौक चौराहों पर हम देख सकते हैं कि आज के दिन काफ़ी संख्या में लोग स्टॉल्स लगाकर, टेबल लगाकर रोज़ेस वहाँ पर दे रहे हैं। तो एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ श्यामवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।